क्यों जा रही हो वेदु घर? अच्छा जाना है तो बता तो दो क्यों जाना है। अच्छा क्या है वेदु के घर में? नीचे गौशाला। हाँ वो तो मालूम है कि वेदु का घर नीचे है, क्यों जा रही हो? पूजा करने जा रही हो? पूजा करना है। अच्छा चलो चल के पूजा करते हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं वेदु के घर में जहाँ पे पूजा है, सत्यनारायण की कथा है, तो हम लोग जा रहे हैं सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। सत्यनारायण रूप देख रहे हो, इसके ध्यान से व्रत पूजन से संसार में धन पुत्र विजय आरोग्य कामना की पूर्ति तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूजन कैसे करें, पूजन करके पूजन के विधान का वर्णन करते हुए कहते हैं, सत्यनारायण भगवान स्वयं दिन भर व्रत करके शाम को मेरा पूजन करें। पूजा में गाय के दूध दही घी मत चीनी से बना पूरा पंचामृत गेहूं के आटे का नहीं मिलते। सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने और शंख बजाने का अभिप्राय है, शंख बजाने से आरती का फल, पुष्प चढ़ाने से पूजन का फल होता है। पहले जब समय की कमी नहीं थी, पूजा पाठ में अधिक समय लगाते थे लोग, तो पहले अध्याय के बाद फिर से आरंभ की तरह ही पूजन, आरती, पुष्पांजलि, उसके बाद अगले अध्याय कथा, 5 घंटे में पूजा होती थी। अब धीरे धीरे आधा तो अब हवन की तैयारी हो रही है। ऐसे बोलिए मत, सीधा नहीं सीधा ही रहना। लेकिन बम बजा रहे हैं, सुबह दम बजा रहे हैं, सामने बजा डाल दीजिए। ओम गुंगुरवे स्वाहा, ओम शुं शुक्राय स्वाहा, ओम संप्रचराय स्वाहा, ओम राम राघवे स्वाहा, ओम केशवे स्वाहा, ओम देवताभ्य स्वाहा, ओम देव। तो पूजा खत्म होने को है, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।